कोई भी बिगिनर जो टेक्निकल एनालिसिस को अभी अभी सीखना शुरू किया है, वो सभी लोग कैंडलस्टिक का बेसिक कंसेप्ट समझने के बाद काफी सारे कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने की जर्नी में लग जाते हैं। वो एक एक करके सभी कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे डोजी, मारुबोजू, बोलिस एनगल्फिंग, बेयरिस एनगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, हैमर, शूटिंग स्टार एक्सेट्रा सीखता रहता है। ये सब को सीखने के बाद रियल चार्ट में जाके ढूंढता रहता है और पैटर्न मिल जाने पर ज्यादातर टाइम वो पैटर्न का नाम और कैसे रीड करता है वो भी भूल जाते हैं और फिर से कैंडलस्टिक पैटर्न को याद करने का जर्नी में लग जाते हैं और ये जर्नी साल भर साल चलता रहता है। तो आज का इस वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आए हैं। इसमें आप सीखोगे कैसे ये सब पैटर्न को याद किए बिना रियल चार्ट में आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे और उस सिचुएशन में वो पैटर्न को ट्रेड करे या ना करे उसका डिसीजन भी ले पाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखने के बाद आपको लगे कुछ नया सीखने को नहीं मिला तो वीडियो को जरूर डिसलाइक करके जाना। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें पहले कैंडलस्टिक का बेसिक फॉर्मेशन को थोड़ा देखना है। कोई कैंडल का ओपन नीचे और क्लोज ऊपर है तो उस कैंडल का कलर ग्रीन होता है और जनरली उसको बुलिश कैंडल माना जाता है। सेकेंड, जिस कैंडल का ओपन ऊपर और क्लोज नीचे होता है उसका कलर रेड होता है और जनरली उसको बेयरिश कैंडल माना जाता है। और हाई और लो इस डिस्टेंस को उस कैंडल का रेंज कहा जाता है। इतना बेसिक अगर आपको क्लियर है तो कोई भी कैंडल पैटर्न अगर आपके सामने बन रहा है तो अपने आप को हमेशा आप दो क्वेश्चन पूछोगे। फर्स्ट, उस कैंडल का टोटल रेंज के कंपैरिजन में उसका क्लोज कहां पर हो रहा है। सेकेंड, उस कैंडल का साइज अपने प्रीवियस कुछ रिसेंट कैंडल का कंपैरिजन में कैसा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम पहले देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर से आप जान पाओगे उस कैंडल में प्राइस को कंट्रोल किसने किया, बायर्स या सेलर्स। जैसे इस कैंडल में आप देख सकते हो प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ और थोड़ा नीचे जाने के बाद हाई यहाँ पे बनाया और हाई के थोड़ा ही नीचे ये क्लोज कर गया। तो कैंडल का टोटल रेंज के कंपैरिजन में क्लोज हुआ हाई के नजदीक। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर से हमें पता चल रहा है इस कैंडल में प्राइस को बायर ने कंट्रोल किया है क्योंकि इसका जो क्लोज है वो हाई के नजदीक है। अभी आप ये कैंडल को देखो, हो सकता है ये एक ग्रीन कैंडल मतलब बुलिश कैंडल, लेकिन टोटल रेंज के कंपैरिजन में अगर हम इसको देखें तो हम देख सकते हैं क्लोज हो रहा है टोटल रेंज के लो के आसपास। इसका मतलब इस कैंडल में प्राइस को कंट्रोल किया है सेलर्स। अभी आप ये दोनों कैंडल को देखो, इसमें एक बुलिश कैंडल और एक बेयरिश कैंडल, लेकिन दोनों ही अपने टोटल रेंज के कंपैरिजन में लगभग मिडिल पॉइंट के आसपास क्लोज किया है। मतलब इस कैंडल सेशन के दौरान ना तो बायर्स और ना सेलर्स प्राइस को कंट्रोल कर पाया, तो यहाँ पे एक इनडिसीजन टाइप का प्राइस एक्शन हुआ है। तो आप याद रखिए, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर आप देख रहे हो और उसमें बाय डिसीजन ले रहे हो तो उसमें प्राइस बायर्स का कंट्रोल में होना चाहिए और जब सेल डिसीजन ले रहे हो तो उस कैंडल में प्राइस सेलर का कंट्रोल में होना चाहिए। और जहां पर इनडिसीजन है मतलब प्राइस ना तो बायर्स का कंट्रोल में है और ना तो सेलर्स का कंट्रोल में, वहां पर कोई ट्रेड एंट्री नहीं बनता है। अभी आप कहोगे तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न था जिसका प्राइस एक्शन देख के रेंज निकल के हम बता सकते हैं कौन प्राइस को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन दो तीन या उससे ज्यादा कैंडलस्टिक लेके जो पैटर्न बनता है उसमें क्या होगा। तो देखिए, जब भी आप प्राइस एक्शन को देख के कैंडलस्टिक के हेल्प से प्राइस का कंट्रोल किसके हाथ है ये समझने की कोशिश करते हैं तो आपको सभी कैंडलस्टिक पैटर्न को भूल जाना है एंड लेटेस्ट कैंडल एंड कुछ रिसेंट कैंडल का बिहेवियर को देखना है। जैसे ये एक कैंडल है जो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है इसका क्लोज अपने टोटल रेंज के हाई के पास, मतलब बायर्स इसमें कंट्रोल में है। लेकिन इसमें प्रीवियस से तीन नंबर कैंडल को देख के आपको लग रहा है इसमें तो जंप के सेलिंग आया था और प्राइस को पूरी तरह सेलर्स ने कंट्रोल किए थे। तो क्या प्राइस अभी पूरी तरह बायर्स के कंट्रोल में आ पाया या अभी भी सेलर्स के कंट्रोल में ही है। तो इसको देखने के लिए आपको ये तीनों कैंडल का प्राइस एक्शन को एक साथ देखना है, एक कैंडल के हिसाब से इसको देखना है, मतलब इसको एक साथ कंबाइन करना होगा और उसका प्राइस एक्शन से आपको इंटरप्रिटेशन निकालना होगा। तो अभी ये तीनों का लो हो रहा है ये पॉइंट, हाई हो रहा है ये पॉइंट, ओपन हो रहा है यहाँ पे और क्लोज हो रहा है यहाँ पे। तो अभी आपके सामने एक नया कैंडल बन के आ गया। अभी इस नया कैंडल के रेंज के हिसाब से क्लोज है रेंज के हाई के आसपास। तो आप बता सकते हो ये तीनों कैंडल के प्राइस एक्शन में प्राइस को लास्ट तक बायर्स ने ही कंट्रोल कर लिया।
अभी आप एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो तीनों कैंडल है इसको एक साथ मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है, जो एक बुलिश सिग्नल को जेनरेट करता है। लेकिन इस मेथड से आप इसका नाम जाने बिना ही प्राइस क्या कहना चाह रहा है इसका इंटरप्रिटेशन निकाल लिया है। दूसरा एक एग्जाम्पल में देखिए, आप ट्रेंड के दौरान एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनता है जिसका प्राइस कंप्लीटली बायर्स का कंट्रोल में है। आप अगर याद कर पा रहे हो तो इसको बुलिश मारो वो जो कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। लेकिन हमें नाम से कोई लेना देना नहीं है। आप अभी इस कैंडल को देख के सोच रहे हो अगर नेक्स्ट कैंडल बुलिश कैंडल बने तो हम इसमें बाय करेंगे, और आगे जाके नेक्स्ट कैंडल एक छोटा सा बुलिश कैंडल बनता है, तो इस सिचुएशन में आपको तुरंत बाय नहीं करना है। आपको ये दोनों को कंबाइन करके देखना है। तो इसका लो बन रहा है यहाँ पे, हाई यहाँ पे, ओपन यहाँ पे और क्लोज यहाँ। तो इस नया कैंडल का रेंज और क्लोज के हिसाब से आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है इस दौरान प्राइस को सेलर कंट्रोल कर लिया। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे कोई बाय ट्रेड नहीं बनता है। फिलहाल का प्राइस एक्शन को इस तरह स्टडी करने के बाद लग रहा है प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाने का चांस बहुत ज़्यादा है। अभी ये दोनों कैंडल मिल के कौन सा पैटर्न बन रहा है मुझे नहीं पता, और इसको याद करने का ज़रूरत भी नहीं है। आप कैंडलस्टिक का प्राइस एक्शन को देख के बायर्स और सेलर्स का बिहेवियर को स्टडी करना जब सीख जाओगे तो कोई भी कैंडल पैटर्न को याद करने का कोई ज़रूरत नहीं होगा आपको। अभी आप हमारा सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं, उस कैंडल पैटर्न का साइज अपने प्रीवियस कुछ कैंडल का कंपैरिजन में कैसा है। इसमें आपको देखना है जो कैंडल्स आपने स्टडी करके बायर्स और सेलर्स का बिहेवियर जानने की कोशिश कर रहे हो उसका प्रीवियस कुछ रिसेंट कैंडल उसी डायरेक्शन को सपोर्ट कर रहा है क्या नहीं। जैसे प्राइस यहाँ पर रिट्रेस करने के बाद सपोर्ट एरिया में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया है, इसको देख के पता चल रहा है इस कैंडल में प्राइस को बायर ने कंट्रोल किए है। लेकिन प्रीवियस रिसेंट कैंडल जब प्राइस नीचे आ रहा था उसमें प्राइस का कंट्रोल सेलर्स का था, और ये सब का जो साइज था उसके कंपैरिजन में रिसेंट बायर्स का कंट्रोल किया हुआ कैंडल बहुत ही छोटा है। तो ये सब देखने के बाद आपको पता चल रहा है जो रिसेंट मूव बायर्स ने ले आया है वो प्रीवियस कुछ कैंडल में सेलर्स जो अपना पावर दिखाया था उसके आगे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। कभी भी सेलर्स फिर से इजीली प्राइस को कंट्रोल करना शुरू कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो रिसेंट प्राइस एक्शन है उसके हिसाब से सेलर्स का प्राइस के ऊपर कंट्रोल ज़्यादा है। भले ही ये रिसेंट कैंडल में बायर्स ज़्यादा कंट्रोल ले लिया है, लेकिन उसका प्रीवियस कुछ कैंडल को देख के कंबाइन करके जब आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा अभी भी सेलर इसमें काफ़ी कंट्रोल कर रहा है और कभी भी आके फिर से अपना ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। तो यहाँ पे ट्रेड ना लेना ही अच्छा है। इस एग्जाम्पल में आप देखोगे रिसेंट दो कैंडल के प्राइस एक्शन के हिसाब से प्राइस को बायर स्ट्रांगली अपने कंट्रोल में कर चुका है, और रिसेंट कुछ कैंडल का प्राइस इसके कंपैरिजन में छोटा है। इससे आपको पता चल रहा है जो मूव हुआ है उसके पीछे स्ट्रांग बायर्स का हाथ है, अभी सेलर्स आके इजीली इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो आप यहाँ पे बाय करने की सोच सकते हो, और ये केवल आप अपसाइड के लिए नहीं डाउनसाइड के लिए भी कर सकते हो। इसमें आप पहले प्राइस का ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे, फिर प्राइस अगर डाउन ट्रेंड में है या फिर कोई रेजिस्टेंस एरिया में है तो रिसेंट कुछ कैंडल को स्टडी करना शुरू करो। कोई पैटर्न इसमें ढूंढने का ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ देखना है रिसेंट एक या दो तीन कैंडल मिला के सेलर्स का स्ट्रांगली कंट्रोल है क्या नहीं, और जब प्राइस को सेलर्स ने पूरी तरह कंट्रोल करना शुरू किया है उस कैंडल का साइज अपने प्रीवियस मूवमेंट का रिसेंट कुछ कैंडल का जिसमें प्राइस को बायर कंट्रोल कर रहा था उसके एवरेज साइज से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये सब कन्फर्मेशन आपको मिल रहा है तो यहाँ पर आप शॉर्ट सेल कर सकते हो। तो जितना सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका पीछे का साइकोलॉजी है उस दौरान स्ट्रांगली प्राइस को कंट्रोल किसने कर रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको सभी कैंडलस्टिक पैटर्न को सिखाया जाता है और एक ट्रेडिंग प्लान भी दिया जाता है। तो बस आप उस साइकोलॉजी को समझ लो और अपने हिसाब से कोई भी कैंडल को स्टडी करना शुरू करो। किसी का नाम याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। और आज का वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करूँगा। कुछ सीखने को ना मिला तो डिसलाइक कर देना, लेकिन अगर कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ एक लाइक करके हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो कैसे लगा। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कोई कॉन्सेप्ट के साथ।